दोस्तों, मॉरिशस लगभग पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा हिंदू देश है जो कि दुनिया के अन्य सारे हिंदू देशों से काफ़ी विकसित हिंदू देश माना जाता है। कोई भी भारतीय अगर किसी भी दूसरे देश में घूमने जाता है तो टैक्स के तौर पर वीजा का पैसा वहां की सरकार को देना होता है। लेकिन मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का संबंध काफ़ी अच्छा होने के कारण इसे भारतीयों के लिए एक वीजा फ्री देश बना दिया गया है, जिसके चलते यहाँ जाने के लिए वहाँ की सरकार को एक भी पैसा देना नहीं पड़ता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मॉरिशस के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, मॉरिशस भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में आता है। हजारों साल पहले इस आइलैंड में एक भी इंसान नहीं रहता था, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश कॉलोनी का दौर आया तब अंग्रेजों ने काफ़ी सारे भारतीयों और अफ्रीकी मूल के लोगों को व्यापारिक सुविधाओं के लिए धीरे धीरे यहाँ पर भेजना शुरू कर दिया, जिन लोगों को बाद में वापस कभी भारत भेजा नहीं गया। अंग्रेज ऐसा करते थे क्योंकि सुएज कैनल कटने से पहले यह यूरोप से व्यापार का एकमात्र जरिया हुआ करता था। मॉरिशस में रहने वाले ज़्यादातर भारतीय बिहारी संप्रदाय से आते हैं, यही कारण है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में भोजपुरी भी बोली जाती है। यहाँ के ज़्यादातर लोग भारतीय जैसे दिखने के बावजूद यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश और फ्रेंच को माना जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का रहन सहन भी भारतीयों से काफ़ी अलग होता है। यहाँ के लोग में 51% हिंदू, 31% ईसाई और 15% इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी तरह का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी यह देश पूरे अफ्रीकी महाद्वीपों के सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है। मॉरिशस के लोगों का प्रति आदमी आय सालाना लगभग 17 लाख रुपए है, जो कि भारतीयों के औसतन आय से लगभग 3 गुना है। मॉरिशस में चलने वाली करेंसी मॉरिशियन रूपी है, जहाँ का 1 रुपया भारत का लगभग 2 रुपया 10 पैसा होता है। मॉरिशस विकसित देश होने के कारण यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर पर लोगों की संख्या पूरी अफ्रीकी महाद्वीपों में सबसे अधिक है। मॉरिशस की राजधानी और पोर्ट लुइस शहर है, जहाँ पर देश की कुल आबादी का लगभग 40% लोग रहते हैं। मॉरिशस में घूमने जाने वाला खर्च भारतीय लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए तक आ सकता है। यहाँ घूमने जाने से पहले एक बार जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हर साल जनवरी से मार्च के बीच साइक्लोन आने का कारण यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।